आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का मिड टर्म का पेपर अपलोड कर रहा हूँ। एक पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मॉर्निंग शिफ्ट का, ये इवनिंग शिफ्ट का है, ताकि दोनों की आप प्रैक्टिस कर सकें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है 40 क्वेश्चनों का, जिसमें MCQ, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स सब कुछ है। सॉल्यूशन करने वाले क्वेश्चन भी है, जिसका आपको डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन करना है। और इसको इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आपने SA1 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की किस पैटर्न पे पेपर आने वाला है। एक पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो होपफुली वो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो उसके वीडियो भी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या चैनल के प्ले लिस्ट से देख लीजिए, या ऊपर आपको आई का सिंबल नज़र आ रहा होगा वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और FB ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए Apex कोचिंग सेंटर के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से ट्राई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सेक्शन ए में पहले 1 से 5 तक क्वेश्चन जो है वो MCQ क्वेश्चन है, जिसे पूछा गया कौन सा करेक्ट है चारों में से। तो आपने पढ़ा हुआ है कि ए और बी दो यहाँ पे नंबर्स बता रखे हैं, और SCF को S बोला गया, LCM को L बोला गया है। ओके, तो अब कौन सा ट्रू होगा? तो आपको पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू SCF मल्टीप्लाई LCM, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो, और एक्स की वैल्यू गिवन है और वाई की वैल्यू गिवन है, तो आपको बताना है कौन से इक्वेशन इसके लिए करेक्ट होगा। तो आप इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, ऑप्शन में वैल्यू को पुट करके देख लीजिए, जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में जैसे आप एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे और वाई की वैल्यू -3, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए था 1, तो ये पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड में आप जैसे पुट करेंगे तो दोनों LHS और RHS, इसमें भी LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके आंसर की भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड कर जाएगी PDF फॉर्म में, वो भी आपको FB ग्रुप में मिल जाएगी, तो FB ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके आंसर की भी, पूरा सॉल्यूशन आंसर की नहीं, सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया 3 पॉइंट दे रखे हैं, और ये पूछा गया कि इसको किस पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना था। अगर आपने 7 चैप्टर पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप आसानी से कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, मतलब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, बट ऐसा कुछ था नहीं इसमें। 1 डिजिट नंबर बोला गया था, उसमें से 1 डिजिट प्राइम नंबर और उसमें से एक इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी थी सम संख्या की। तो देखो, जो अगर 1 से 9 तक के जो नंबर होते हैं, 1 से 9 तक, वो 1 डिजिट नंबर होते हैं, उसमें प्राइम नंबर की बात की गई, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 2 के बाद 3 5 7। ओके, 4 नंबर होंगे प्राइम, और उसमें इवन नंबर सिर्फ एक ही होता है 2, तो यानी 1/4 आंसर इसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपने पढ़ा होगा, या मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी, आपने अगर मीडियन वाली वीडियो देखी होगी, स्टैटिक्स की 2 वीडियो डाल रखी हमने शॉर्ट ट्रिक की, आप जरूर से देखिए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा ऐसे क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और काफ़ी आसान तरीके से। इसलिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और डायरेक्ट आंसर आ जाता। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो आपको पहले सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए हैं SA1 के लिए पहले भी, उनमें मैंने दिया हुआ है, तो जहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया था यहाँ पे वो फॉर्मूले की जगह उसी क्वेश्चन को दे दिया गया। तो फॉर्मूला अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करवाएंगे, बस वैल्यू पुट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो है फिलिप्स हैं, सॉल्व करना, और इसमें आपको विविक्तकर, यानी कि विविक्तकर को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो B² - 4AC का फॉर्मूला लगा देना, जो भी आंसर आएगा आप लिख देना है उसमें। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना था, एरिया जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे एरिया लिख देना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और नहीं आते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, क्लिक कीजिए और 3 वीडियोज हैं, तीनों देख लीजिए, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 0 गिवन है, K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप X की जगह -4 पुट कर दीजिए, K की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। X की जगह -4 पुट करना है, X K की वैल्यू आ जाएगी। और ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर, सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंस तो नहीं होते, क्योंकि एक छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो क्या होगा? सिमिलर तो बिल्कुल होंगे। इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ये प्रोबेबिलिटी के जो भी चैप्टर्स मैंने कई चैप्टर्स के ऑलरेडी MCQ ऑलरेडी अपलोड कर रखे, और वो भी क्या विदाउट पेन, विदाउट पेन आपको कैसे करना है एग्जाम में, ऑप्शन की हेल्प से या जैसे भी करना है, वो सारे मेथड मैं बताते जा रहा हूँ लगातार। हर चैप्टर्स के MCQ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाला हूँ जो बचे हुए हैं, और काफ़ी सारे तो हमने अपलोड कर दिए, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और लगातार वीडियोज़ को देखते रहिए, आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में अगर आपने ऑब्जेक्टिव जल्दी कर लिए तो आपका पेपर 100% 2 घंटे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था द मीन इज गिवन बाय X कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मोर देन ओजाइव एंड लेस देन ओजाइव।
ओके मतलब मोर देन हो जाए वो लेस देन हो जाए जो बनाएंगे तो सब क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं उस माध्य मतलब उस जो जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है तो उस हम क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं उस पॉइंट को, मीन बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, कमेंट करके जरा बता सकते हो आप ट्रू होगा या फॉल्स, क्योंकि ऑलरेडी आप ये आपने पढ़ा होगा जब आपने ग्राफ बनाया होगा मीन ओजाई बनाया होगा, तो जहाँ पे लेस देन टाइप हो जाए और मोर देन टाइप हो जाए इंटरसेक्ट करते उसे क्या बोलते हैं, कमेंट करना जरा आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है आपको -6, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -6 है इसमें और ए की वैल्यू 4, ऐसे आप जब बटे में रखोगे अपॉन में और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो -6 नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर फॉल्स है। और क्वेश्चन नंबर 13, इसमें चेक करना है कि क्या 301 जो है इसका कोई टर्म है या नहीं, एन का फॉर्मूला लगाना था, अगर एन की वैल्यू एक परफेक्ट, एन की वैल्यू एक होल नंबर आई, ओके एन की वैल्यू एक होल नंबर है और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना होल नंबर में भी क्या जीरो से लेके, अब एन तो जीरो होगा नहीं यहाँ पे, दैट मीन्स कोई भी आप एक बोल सकते हो कि आप नेचुरल नंबर टाइप में अगर कोई नंबर आता है तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो उस केस में ये उसका टर्म होगा बिल्कुल। इसका भी शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, एपी की दो वीडियो डाल के शॉर्ट ट्रिक, आप उसे देखोगे तो आपको डायरेक्ट निकाला आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी थी और जो उससे अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका ये सॉल्यूशन होगा, तो आंसर हो जाएगा ट्रू नहीं तो फॉल्स। और मिड पॉइंट थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो बीपीटी थ्योरम की हेल्प से प्रूव की जा सकती है नहीं की जा सकती आपको बताना था, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, इन्होंने बताया कि किया जा सकता है, आपको बताना है ट्रू होगा या फॉल्स, कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैं आपको रिप्लाई में दूंगा, चिंता मत करो आंसर कि ट्रू होगा कि फॉल्स, आप कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर 17 में एक रूट गिवन था, के की वैल्यू निकालनी थी, आप एक्स की जगह 1/3 पुट कर तो -1/3 के की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट लिखनी थी, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, आप आसानी से लिख पाओगे, बुक में ऑलरेडी गिवन है ये। क्वेश्चन नंबर 19 जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 6 चैप्टर का 6.4 का जो आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करा होगा उसी टाइप से क्वेश्चन है, हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, उनका एक ट्रायंगल का एरिया भी दे रखा है और साइड्स का एक साइड बता रखा है बी सी कितना है, ई एफ का 3 times है, तो डी एफ का एरिया निकाला था, एरिया दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो इक्वल्स टू में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर होता है, तो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। और इसमें बताना था कौन सा टर्म होगा 64 इसका, यानी आपको क्या करना था इसमें एन की वैल्यू निकालनी थी, एन का फॉर्मूला लगाओगे एन की वैल्यू आ जाएगी, इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी और नो सॉल्यूशन बोला हुआ है, नो सॉल्यूशन के लिए आपने कंडीशन पढ़ी है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है जिसमें सारे फॉर्मूले बता रखे, पूरे चैप्टर पूरे बुक के फॉर्मूले जिसमें ट्रिगो को छोड़ रखा और मेंसुरेशन को, क्योंकि ट्रिगो के लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखी है और मेंसुरेशन के अलग से, तो ट्रिगो और मेंसुरेशन को छोड़कर बाकी सारे फॉर्मूले एक वीडियो में कंबाइंड करके ट्रिगो के लिए अलग है और मेंसुरेशन की जल्दी ही मैं अपलोड करने वाला हूँ तो आप वो भी देख सकते हो। ओके सारा कुछ सब कुछ रिविजन हो जाएगा एग्जाम से पहले आपका यहाँ पे। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हो, चैप्टर 3 की जो वीडियोज हैं उसमें आपको मिल जाएगा इसको शॉर्ट ट्रिक से जल्दी कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का मतलब एग्जाम में सॉल्यूशन पूरा होगा वो, लेकिन जल्दी से कर पाओगे आप, अगर आप डायरेक्ट आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो पहले आप इसे इसको मल्टीप्लाई करोगे इसे इसको मल्टीप्लाई, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई टाइम खराब बहुत ज़्यादा होगा, वैसे नहीं करना, आप इसे दूसरे तरीके से कर सकते हो, पहले एक बार दोनों क्वेश्चन को जोड़ो फिर एक क्वेश्चन बनेगी एक बार दोनों को घटाओ, दोनों एक क्वेश्चन बनेंगे उन दोनों को सॉल्व करो एलिमिनेशन से किसी मेथड से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ईजी है, अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लगाना था सम ऑफ रूट्स का और सम ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, बुक का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23 भी काफ़ी जी है, एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन है तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, आप खुद कर सकते हो। 24 एक अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ी तो अच्छे से कर पाओगे, प्रोबेबिलिटी में कोई भी डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए, 2-3 वीडियोज हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ये जो चॉइस में क्वेश्चन है ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुका है, 2018 में बोर्ड में आया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी, यानी इसको भी अरेंज करना था, ऑलरेडी सी एफ गिवन है यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10, 10 to 15 इस तरीके से कन्वर्ट करके, और इसमें एफ निकालना था, ये सी एफ गिवन है ऑलरेडी, ये पता कैसे चलता है कि सी एफ गिवन है, तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ ना ये 100, और यहाँ पे भी अगर 100 लिखा है इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है सी एफ गिवन है, आपको एफ निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था इसमें, और ये बुक का क्वेश्चन ये ऑलरेडी मैंने करा रखा है तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले में, ये आपने पहले से आपने पढ़ रखा होगा आपको आता होगा।
क्वेश्चन नंबर 27, इसमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी थी तीन अलग अलग। और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है उसमें जो वीडियो है या जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है सॉल्यूशन के, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट है। और ये देखो आ भी गया है क्वेश्चन, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, दैट मीन्स एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम निकालते आपका आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम केस में एसएफ, मिनिमम में एलसीएम, इसमें डिवाइड करना, आप आसानी से डिवाइड कर लोगे। ये इसमें अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आपको आ गया होगा, मैंने पिछले वीडियो में उसका लिंक दिया था आपको, नहीं तो इस वीडियो में भी लिंक गिवन है, पॉलिनोमियल लिखा होगा उस पर क्लिक करो, देखो डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे क्लिक करो, दो वीडियोज हैं इसकी, दोनों वीडियो देख लो, अल्फा बीटा की बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 इस पैटर्न का क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम था बट ज़्यादा क्वेश्चन था। आप इसे किसी भी मेथड से करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, अच्छा आप एलिमिनेशन कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी चाहें ट्राई करके बताइएगा आपका आंसर आया नहीं आया इसका। क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसमें मीन गिवन है, पी की वैल्यू निकाली, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो किसी मीन का कोई भी मेथड लगा लीजिए आप, चाहे आप इसमें स्टेप डिविजन मेथड लगाइए, डायरेक्ट मेथड या एज्यूम मेथड, किसी से भी आंसर आ जाएगा। इसमें ऊंचाई बनाना था। और क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें ऐसे दे रखा था एन वा टर्म निकालना था, एंथ टर्म निकालना था, तो आप एन की जगह 1 2 3 पुट कर सकते हैं, एपी बना सकते हैं, उसके बाद एंथ टर्म निकालने का मतलब क्या हो गया कि एन की वैल्यू निकालनी है आपको, तो एन का फॉर्मूला लगाना था, एन की वैल्यू एन रखनी थी, ए और डी की वैल्यू यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी। चॉइस में भी क्वेश्चन अच्छा था, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, तीन टर्म से चार टर्म्स वाले जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, तो आप उसे सीख सकते हैं, या आपको नहीं आता हो तो अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि तीन टर्म में चार टर्म के केस में जो स्पेशल केसेस हैं वहाँ हम क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। 2018 बोर्ड में भी एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आया था, 4 मार्क्स का आया था, मीन टर्म और एक्सट्रीम टर्म से बोला हुआ था, उसमें कुछ ऐसा था, ट्राई करके देखना इसका, तो पीडीएफ में सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 और जितने भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार के लिए 2020 के लिए या आगे आने वाले टाइम्स के लिए, वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी टफ क्वेश्चन है आप कमेंट करना, मैं उसका सबके उन सभी क्वेश्चनों की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करो। आप बस एक बार कमेंट करो कि कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है आपको। क्वेश्चन नंबर 33 बुक का क्वेश्चन है, 6 चैप्टर का ईजी है, हो जाएगा। और 34 जो है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में आपको अगर ताश की गड्डी वाले यानी कि प्लेइंग कार्ड्स वाले में अगर जरा भी प्रॉब्लम है, जरा भी डाउट है 1% भी, तो आप एक वीडियो देख लो, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है कार्ड्स के बारे में, उसके बाद एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। आप कमेंट करके मुझे बताना अगर उसके बाद भी एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है कि ये कितने पत्ते होते हैं, ये कितने होते हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर रखे मैंने उसमें, बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ। उसका लिंक भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी, उस पर क्लिक करो और वीडियो देखो, सिर्फ एक वीडियो देखनी है 10 मिनट की, सारे डाउट्स क्लियर। सेक्शन डी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है, सॉरी 4 मार्क्स वाले। क्वेश्चन नंबर 35 ये 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये इतना कोई टफ तो नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ईजी है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर टफ आपके लिए। ओके, तो करके देखो, होपफुली आता होगा आपको, नहीं आता हो तो कमेंट करना, इसके अलग से मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और चॉइस में भी एक क्वेश्चन है, बुल बुक का है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये पाइथागोरस थ्योरम है, 37 जो है इसमें आप इक्विडिस्टेंस बोला हुआ है, तो आपको निकालना क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन 3 पॉइंट्स। एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इन तीनों पॉइंट से समान दूरी पर हो, तो जरा बताना आप कमेंट करके इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप कमेंट करके बता सकते हो, क्या इसमें मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे या कुछ और करेंगे। ओके, मीडियन यानी माध्यिका वाला फॉर्मूला, ये क्या सॉल्यूशन तो आपको मैं दे ही दूंगा, बट आप कमेंट करके बताओ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या क्या आती है, आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट जो ही तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, ये भी इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में। उसके बाद 38 जो क्वेश्चन है ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये तो आएगा ही आएगा, प्राण जाए पर ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, और ये बुक का क्वेश्चन है चॉइस में। क्वेश्चन नंबर 39 मोड और मीडियन निकालना, ये सारे ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे करना है, क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, सब चीज़ें आपको आती हैं, नहीं आती तो वीडियो देखो आप सीखो। क्वेश्चन नंबर 40 एक अच्छा क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है बट डाटा चेंज है और इजी क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के कॉन्सेप्ट में या जो एक टैंक वाला क्वेश्चन है पानी की टंकी, तो उस टाइप के क्वेश्चन में अगर डाउट है आपको तो
आप एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप उसे देखिए, उस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं समझाया होगा कि मतलब जो वहाँ पे 1/x 1/y ऐसे लेते हैं हम, वो क्यों लेते हैं, क्या हम 1/x की जगह कुछ और वैल्यू नहीं ले सकते, 100/x नहीं ले सकते। तो बिल्कुल सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए एक वीडियो में, आप एक बार देखना और फिर कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसे लगी। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल से लगातार जुड़े रहो, लोगों को जोड़ते रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन प्रेस करके, ताकि सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको।